और हर एक मूर्ति यहाँ पर खंडित की गई है, हर एक। और आप गिन भी नहीं सकते कि कितनी मूर्तियां होंगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये गंगा जमुना है, ये वो गेट है, और गेट के अंदर एक जगह थी जहाँ पर शिवलिंग था, उसकी वहाँ पर मूर्ति जो है पूजा की जाती थी, यहाँ जलाभिषेक किया जाता था एक तरीके से, लेकिन वो मुगलों ने तोड़ दिया गया। मुगलों ने बहुत कुछ तोड़ा, केवल ये हम देख पा रहे हैं महामंडप वाला एरिया बचा है, पीछे का जो था वो नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शिवा जी, ब्रह्मा को हमने जनरेटर बोला, विष्णु को हमने ऑपरेटर बोला, शिवा को हमने डिस्ट्रॉयर बोला, तो इसलिए एक शब्द बना जिसको बोला गॉड, GOD, जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। जब कालांतर में 17 सेंचुरी में मुगलों का आक्रमण हुआ तो यहाँ पर सब मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, और जो स्कल्पचर्स थी गॉड एंड गॉडेस ऑफ हिंदुज्म की, वो सब डिफेस कर दी गई। तो ये जो मूर्तियाँ सब खंडित मूर्तियाँ हैं, तो अब पूजा योग्य नहीं होती। हमारे हिंदुज्म में माना जाता है जो भी खंडित मूर्ति होती है उसकी हम पूजा नहीं कर सकते। देयर इज नो यूज इन सीमेंट, नो यूज इन लाइम, बिल्कुल टोटली बेस्ड ऑन इंटरलॉकिंग सिस्टम कनेक्टिंग स्टोन टू स्टोन। तो ये जो देख रहे हैं आप ये टेम्पल, इसको हम सहस्त्र बाहु का मंदिर के नाम से जानते हैं। सहस्त्र बाहु विच इज अनदर नेम ऑफ गॉड विष्णु, भगवान विष्णु के सहस्त्रों भुजाओं वाली जो मूर्ति है वो किसी ज़माने में 11 सेंचुरी में यहाँ पर हुआ करती थी जी। तो हम इसको सहस्त्र बाहु का मंदिर कहा गया, बाकी बाद में हमने इसको सास बहु का मंदिर कहा गया। सास बहु का रीजन ऑफ दैट, एक्चुअली जो राजा थे उनका नाम था महिपाल सिंह, और कछवा डायनेस्टी थी जिनको कछप गार्ड्स कहते हैं, जो वर्तमान में कुशवाहा लिख रहे हैं आजकल, तो वो लोग की डायनेस्टी थी 11 सेंचुरी में। तो उनकी राजा की जो माँ थी वो विष्णु को फॉलो करती थी, तो बिग वन जो टेम्पल है ये भगवान विष्णु को डेडिकेट था, ये वाला जो तो सास का मंदिर कहलाता था, और जो उसकी वाइफ थी वो शिव को फॉलो करती थी। छोटा वाला टेम्पल आप देख रहे हैं सामने, ये विष्णु शिव जी को डेडिकेट था, लेकिन लोग जाते थे दर्शन करने तो ये नहीं कहते थे विष्णु जी के मंदिर चलना है शिव जी के, सास बहु का नाम कहते थे, सास बहु, इसलिए इसको सास बहु का मंदिर कहा गया। अच्छा, तो ये वैसे तो सहस्त्र बहु है लेकिन सास बहु सिर्फ लोगों की कहने से हो गया। ब्यूटीफुल कार्विंग हियर, थाउजेंड्स फिगर्स इनसाइड, थाउजेंड्स फिगर्स आउटसाइड फ्रॉम दिस टेंपल, बहुत सुंदर है, लेकिन कोई मूर्ति साबुत नहीं मेरी बची, मैंने बताया आपको। ऊपर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, हमारे तीन पेन प्रिंसिपल गॉड है टेंपल आर्किटेक्चर के हिसाब से। हम जब जहाँ पहले खड़े थे, पहला जो ये वाला स्टार्टिंग जो नीचे वाला जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो कहलाता है अर्ध मंडप। ओके, इस समय हम यहाँ खड़े ये कहते हैं इसको मंडप, ये जो जगह जहाँ मैं आपको ब्रीफिंग दे रहा हूँ ये मंडप है। और जब हम बीच में चलेंगे तो बीच में चलते हैं जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँगा, हम खड़े हैं इधर, आइए आप एक मिनट, आप जैसे यहाँ आ जाते हैं तो ये प्लेटफॉर्म जो कहलाता है ये इस मंदिर का महामंडप कहलाता है। महामंडप से यज्ञ हवन या फिर पूजा पाठ हुआ करता था। सामने वाला जो कमरा है जी, एक कमरे में भगवान की मूर्ति होती है, इसको हम कहते हैं गर्भगृह। जिस तो जगह भगवान की मूर्ति होती है गर्भगृह की मूर्ति है वहाँ गर्भगृह कहलाता है। ऐसा माना जाता है हमारी मैथोलॉजी में जी, कि जरूरी नहीं है कि हम कहीं पूजा पाठ करने जा रहे हैं तो हमको नाग ही जाना है। अच्छा, तो हमारी मैथोलॉजी में ऐसा होता है कि जब भी हम जाते हैं तो मंदिर के बाहर जितने भी एंशियंट टेम्पल मिलेंगे आपको गंगा मिलेगी, यमुना मिलेगी, तो ऐसा माना जाता है हम इस दोनों ही नदी में पवित्र होकर ही अंदर जा रहे हैं। तो ऐसी हमारी एक मैथोलॉजी है। ऊपर देखो अगेन ब्रह्मा विष्णु शिवा विथ 9 प्लैनेट्स, अपने नवग्रह जो है, नवग्रह आपको दिखाई पड़ रहे हैं उस फ्रेम में आपको। और जिस स्ट्रक्चर पर मंदिर स्ट्रक्चर बना होता है जिस प्लेटफॉर्म पे बेस जी, उसको हम आर्किटेक्चर के हिसाब से जगती कहते हैं। ओके, जगती कहते हैं। और मंदिर का जो टॉप होता है उसको हम कहते हैं शिखर, और शिखर के ऊपर एक राउंड शेप में एक चक्र होता है उसको बोलते हैं अम्लिका। अच्छा, और उसके ऊपर जो टॉप होता है उसको कहते हैं हम कलश, सबसे ऊपर जो मंदिर होता है वो कलश कहलाता है। आर्किटेक्चर के हिसाब से नागरा शैली में बने हुए टेम्पल है दोनों, ये वाला हाँ साउथ और वेस्ट दोनों मिला के बोलते हैं नागरा। 17 सेंचुरी में ये टेम्पल, दोनों ही टेम्पल मुगल पीरियड में कवर्ड कर दिए गए थे, वी कांट सी एनीथिंग, सैंड के द्वारा। अच्छा, जब ब्रिटिशर्स आए तो दे लाइक आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स, उन्होंने देखा कि इस प्लेन एरिया पे यहाँ पर क्या है, हैविंग क्यूरेसी, तो दोनों साइड्स आर एक्सपर्ट साइट्स, खुदाई में प्राप्त मंदिर। अच्छा, उसके बाद उन्होंने रिनोवेशन थोड़ा बहुत कराया है ब्रिटिश पीरियड का, दे लाइक आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स, तो मैं उनको भी स्पेशली थैंक्स बोलता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी जो हालत है, क्योंकि हर एक मूर्ति आपको खंडित नजर आएगी जितनी भी यहाँ पर उकेरी गई है, ये सब खंडित हैं, आप देखो ध्यान से। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पहचान नहीं पाएंगे, हिंदू लोग पहचान नहीं पाएंगे भगवान कौन से भगवान है, लेकिन वी कांट फ्रॉम हिज सिग्निफिकेशन, ये आप देख रहे हैं ये शिव है, मैं कह सकता हूँ शिव है जी। आइकनोग्राफी के हिसाब से हमने जाना ये भगवान के हाथ में ड्रम है। ओके, डमरू, डमरू है जी, तो शिव है, नीचे नंदी है तो शिव है, ये आप देख पा रहे हैं विष्णु है क्योंकि गरुड़ है, और ये आप देखेंगे ये नरसिम्हा है, ये हिरणाक्ष का वध करते हुए भगवान, ये लॉयन का शेर का मुंह है।
अब हम देख रहे हैं अपने, अभी हमने देखा सहस बाहु का मंदिर जी, ये शिव जी का मंदिर है, छोटा वाला है जिसको बहु, जो बहु जिसको, जिसको ना बहु के लिए बनवाया था जी, जी शिव जी को डेडिकेट है जो अच्छा, मेन जगह पीछे भी था मंदिर यस, थोड़ा सा चल के एक बार अगर मेन जो जगह थी वो यहाँ पर जगह थी जो जहाँ पर शिव जी की मूर्ति थी, जो शिव जी की मूर्ति शिवलिंग जिसे शिवलिंग जिसे बोलते हैं, शिवलिंग जो था वो बीच पीछे की तरफ था, लेकिन मुगल पीरियड में उसको तोड़ दिया गया। केवल ये आपको महामंडप वाला एरिया दिखाई पड़ता है, शिवलिंग कहाँ था सर थोड़ा सा बता, इसके थोड़ा पीछे पीछे की तरफ मतलब यहीं पे। हाँ यस, ये तो बिल्कुल एरिया खाली हो चुका है, स्ट्रक्चर बना था अब तो टूट दिया। अच्छा, ये देखें जैसे हमने इसको रिनोवेट करा के दोबारा से बनाया। जी 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 जी, ये आप देख रहे बड़े वाले में पीछे वाला टूटे हुआ है, ये वाला जो पीछे वाला हिस्सा है। यस, अच्छा अच्छा अच्छा, अंदर चल के थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्या अभी वर्तमान इसकी स्थिति है। आइए आइए जी, आइए मैं अंदर लिए चलता हूँ आपको। ये अंदर का आप नजारा देखें, अंदर का ये वही जगह जैसे अपन ने वहाँ सहस बाहु के मंदिर में देखी थी। जी जी जी, नीचे ये अपन को महामंडप वाला एरिया, ऊपर लोटस है, अब देखो लोटस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हिंदुइज्म जी। क्या ये हम कह सकते हैं कि ये वो जगह है यहाँ पे भी, क्योंकि जगह के हिसाब से अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो शिवलिंग क्या यहाँ भी हो सकता था? नहीं नहीं नहीं, शिवलिंग यहाँ ये पॉसिबल नहीं है, वो दरवाजा बनाया गंगा यमुना दिख रही है आपको। अच्छा, क्योंकि प्रवेश में अपन वहीं से जाएंगे। करेक्ट करेक्ट, तो इसलिए वो वहाँ पर जब उनका ही था। ब्रिटिश पीरियड में यहाँ पर कई पार्टियां होती रही। अच्छा अच्छा, तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं हैक्स लगे ना नीचे आप। अच्छा, टेंट के लिए लगाए गए थे ये जो ये कड़े लगे हुए, कड़े लगे हैं जो कड़े आप देख रहे हैं कवर्ड रहते थे। अभी आप देख सकते हैं ग्वालियर फोर्ट के ऊपर कुछ टेंपल आपने देखे, कुछ पैलेस भी देखे, उसी प्रकार से हमारे ग्वालियर फोर्ट पर एक भव्य टेंपल बना हुआ है जिसके बारे में कई लोगों का अलग अलग मत होता है। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं एक बिग टेंपल, एक स्मॉल टेंपल। बड़ा टेंपल भगवान विष्णु का है और स्मॉल टेंपल भगवान शिव का है। छोटे वाले में शिवलिंग रखा हुआ था, बड़े वाले में स्टैचू थी। इसके बारे में कहा जाता है कि 11th सेंचुरी में यहाँ के राजा फेमस थे रतनपाल, रतनपाल के पुत्र थे राजा महीपाल, राजा महीपाल ने उन मंदिर को कंप्लीट किया। संस्कृत लैंग्वेज में टेंपल का एक ही नेम था सहस्त्र बाहु, जिसको लोकल पब्लिक ने अपनी व्यवहारिक लैंग्वेज में सहस्त्र बाहु का नाम दे दिया, सास बहु। आजकल लोगों का मानना है कि बड़ा वाला टेंपल भगवान विष्णु की जगह लोग कहते हैं बड़ा वाला मंदिर सास का है, छोटा वाला बहु का है, इसलिए लोग कम जाते हैं। मगर रियल में ऐसा कुछ नहीं है, रियल विशेषता यह है कि उस मंदिर का निर्माण राजा महीपाल ने अपनी मदर के लिए विष्णु का किया, स्मॉल वाला शिव वाला अपनी वाइफ के लिए किया, इसलिए उसका रियल नेम था सहस्त्र बाहु, जिसको व्यवहारिक लैंग्वेज में लोगों ने खराब करके सहस्त्र बाहु का नाम सास बहु दे दिया है। तो इसलिए मंदिर आप देख पा रहे हैं पीछे बहुत फेमस मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित है। बाद में जब विदेशी जो आक्रमणकारी आए उनके द्वारा मंदिर की मूर्ति और काफ़ी चीज़ों को उन्होंने खंडित कर दिया, इसलिए मंदिर में खाली टेंपल ही टेंपल बचे हुए हैं, कोई मूर्ति बची नहीं है। तो यहाँ का सबसे फेमस टेंपल है सास बहु का मंदिर।